यहाँ पे हर जगह कैश मांगते हैं, ना पेटीएम ना कुछ, मतलब पेटीएम 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 अरे फास्ट चेक लगा हुआ है, फास्ट चेक हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि कड़ी कचौड़ी मिलती है यहाँ पर, हमने मोठ कचौड़ी, छोले के साथ कचौड़ी काफ़ी खाई है, आलू खाए हैं, लेकिन कड़ी कचौड़ी कभी नहीं खाई, तो अब वो खाने चल रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट में खाएंगे कड़ी कचौड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट नाउ इट्स 7 इन द मॉर्निंग और क्या नींद आई बढ़िया वाली, लेकिन बहुत लेट सोए हम, मतलब हम सोए हैं 3 बजे रात को जाके, बहुत बातें करते रहे, आंखें वाखें सूजी पड़ी है, मतलब अभी तो उठ गए लेकिन उठा जा भी नहीं रहा अभी तो, बस जाके रेडी होना क्योंकि हमारे दर्शन की अपॉइंटमेंट है मंदिर में, क्योंकि जो कोविड वाला टाइम था तो यहाँ पर ना क्या है, पहले तो पूरा दिन मंदिर में बहुत रश होता था, लेकिन अभी जो है अपॉइंटमेंट से दर्शन है, मतलब जितने जनों की अपॉइंटमेंट है वही दर्शन है, तो बाकी सबके तो है बट मेरी नहीं है अपॉइंटमेंट, क्योंकि मेरा एकदम अर्जेंट में आने का बना था, देखते हैं कैसे अंदर जाना है क्या करना है, तो मैं अभी फटाफट से रेडी होता हूँ और फिर आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आपको मिलता हूँ अभी रेडी होकर। रेडी हो गए बट थोड़ा सा दर्शन के टाइम में हम लेट हो रहे हैं, तो फटाफट से निकल रहे हैं, कैमरा मैं कार में रखूँगा और बाकी का जो व्लॉग है वो आप लोग देखोगे मोबाइल से। मंदिर के अंदर सिर्फ दर्शन वाली जगह पे आई थिंक वीडियो अलाउड नहीं होगी, बट बाकी का आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या यहाँ पर है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, नहीं सेकंड टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम का मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है, तो मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है और आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर दिखाऊंगा। और डेली रूटीन से ये जो आज की मॉर्निंग है ये मेरे लिए थोड़ी सी जल्दी है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे फेस भी सूजा सूजा सा और वॉइस भी हैवी हैवी सी लग रही है, लेकिन हाँ दर्शन का तो जो टाइम है उसमें हमें पूछना ही पड़ेगा, तो दर्शन के लिए हम अभी तो टाइम बिल्कुल ठीक है बट थोड़ा लेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी कितनी सही हो रही है देख रहे फोग, अच्छा रात को ठंड वैसे नहीं लगी, अब लग रही है ना, अब लग रही है, अब एसी भी चलाया ना मैंने थोड़ा सा, एसी क्या चलाया इसके लिए, हीटर चला लो, हीटर खराब हो गया, हीटर तो सही होगा जब मैं वहां जाऊंगा। हम जहाँ पर रुके थे ना यहाँ से जो मंदिर है वो 5 मिनट का रूट है बस, मतलब ये जो है ये मंदिर के काफ़ी नियर है जगह, लेकिन हाँ औरों से थोड़ी सी दूर है क्योंकि और भी है, लेकिन ये हमें अच्छी लगी तो इसलिए हम यहाँ रुके थे। बेल्ट के लिए कमेंट मत करना, सामने जाना इसलिए नहीं लगाई थी मैंने, ठीक है। ये निशान लेके आते हैं पैदल 14 किलोमीटर, ये लेके आते हैं निशान, तो ये सामने है खाटू श्याम जी का मंदिर, लेकिन इधर से ना लोग बाहर से ही माथा टेक सकते हैं बस यहाँ से, तो हमने जैसे बुकिंग कराई हुई है तो हम पीछे वाली साइड से अंदर की साइड जाएंगे, बाकी देखते हैं, मेरी बुकिंग नहीं है बस दर्शन हो जाए। हाँ बुकिंग में भी भीड़ तो पूरी है। दर्शन हमारे हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब ये कल से ना हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि कड़ी कचौड़ी मिलती है यहाँ पर, हमने मोठ कचौड़ी, छोले के साथ कचौड़ी काफ़ी खाई है, आलू खाए हैं, लेकिन कड़ी कचौड़ी कभी नहीं खाई, तो अब वो खाने चल रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट में खाएंगे कड़ी कचौड़ी। नहीं क्या क्या खिलाने जा रहे हो हमें? कड़ी कचौड़ी, कड़ी कचौड़ी कचौड़ी यहाँ मिलती है कड़ी कचौड़ी, अब देखते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन है ये। चलो ट्राई करते हैं अब कड़ी कचौड़ी आपकी, ध्यान से बहुत ज्यादा अच्छा। तो ये यहाँ की स्पेशल कड़ी कचौड़ी, पहली बार लाइफ में मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा है, अब खा कर देखते हैं है कैसी। यहाँ आपको देखो सुबह सुबह पोहा भी मिल जाएगा, आलू टिक्की, गोलगप्पे, सुबह सब 8 बजे भी मतलब मिल रहा है यहाँ पर, 8 तो नहीं हमें तो 9:30 हो गए ना, लेकिन ये मतलब 8 बजे भी होंगे यहाँ। यार हमने चाउमीन मतलब हर जगह खाई है, लेकिन यार भैया ने हमें जो चाउमीन बना कर दिया ना मज़ा आ गया। और ये मंदिर से बाहर निकलोगे ना देखो सामने ही है देवकी नाम से, बहुत बढ़िया चाउमीन है, बहुत बढ़िया। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा मगर मेरे तो आ रहा है जी, देखिए और जल्दी खाओ मेरे भी आ गया है। अब हम यहाँ ट्राई करेंगे सुबह सुबह गोलगप्पे, नाश्ते में गोलगप्पे। खाने के लिए यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं और जितनी भी चीज़ें खाई हैं ना सारी बहुत स्वाद है। धूप बहुत अच्छी हो रही है इस टाइम, बहुत तेज़ वाली।
नई ठंड कहाँ लगी है, बल्कि अच्छी हो रहा है मौसम, बहुत अच्छा हो रहा है। अपना कैमरा हम यहाँ पे खुफिया जगह पे रख के गए थे, कैमरा मंदिर में अलाउड नहीं था, तो अभी तक का सारा व्लॉग अपने फोन से देखा है। मजा आ गया, दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो हम लोग आ गए हैं अभी रूम में, बस 5-10 मिनट अपना सामान पैक करेंगे, वैसे लगभग पैक है, 10 मिनट रेस्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? सालासर बालाजी जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लंच वगैरह करेंगे वहीं पर या रास्ते में जैसे भी, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे और हमारी जर्नी रहेगी। कितने सालासर यहाँ से? 105 किलोमीटर अभी हमें जाना है सालासर बालाजी, और उसके बाद लगभग वहाँ से घर 300 ही पड़ेगा, 300 ही पड़ेगा ना। हाँ, तो मतलब रात तक हम पहुँच जाएंगे, आज रात तक। बस रास्ते के अंदर वो जो जाम था बहुत ज़्यादा आते हुए, जो पूरा वो अभी हाईवे जो क्लोज हुआ हुआ है, वो हमें शायद वापसी में भी मिलेगा, क्योंकि रूट तो वही वाला पड़ता है। बाकी देखते हैं जैसे भी है, जो भी है, आने में भी आ ही गए थे, अब जाते हुए देखते हैं कैसे जाते हैं। रेस्ट भी हो गया, सामान भी ले लिया, चेकआउट कर दिया, अब फिलहाल बैठेंगे गाड़ी में और फटाफट से निकलेंगे। अभी जो टाइम है 11:40 हो चुके हैं, मतलब लगभग 10-15 मिनट में। अभी चाय भी नहीं है क्या नीचे? हाँ, तो 12:15 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। लिफ्ट कहाँ गई? नहीं, अभी 11 का हुए हैं। अच्छा, नहीं 10:45 हुए हैं अभी। वही मैं बोल पा रहा कैसे पता है? मुझे लगा 11:45 हो गए। 10:45 ड्रायर रह गया घर पर, और बाल जो है ना वो मैं ड्रायर से जैसे थोड़े बहुत बाहर आके सेट कर ही लेते हैं, तो अभी जो है ना बिल्कुल चिपके हुए से हो रहे हैं। यहाँ से जयपुर 80 किलोमीटर लिखा है ना, अगर यहाँ के मतलब जयपुर रहना हो तो 80 किलोमीटर जाओ। बताओ जल्दी बताओ। नींद आने लगी मुझे तो। कहाँ जा रहे? रात को कम सो रहे हो ना? मैं उनको खराटे मार रहे थे दबा के, ओ खतरनाक वाले। चाय पी के नींद खुल जाएगी है ना, और मैं पीता नहीं। अरे वो नींद आने लग गई बढ़िया से। अब तो जैसे ही झटका लग रहा था ना गाड़ी में, आगे से कोई गाड़ी आती है और झटका लगता था ना, उसी टाइम मेरी नींद खुल रही थी बस। और अब यहाँ पर सब पियेंगे चाय और मैं पीऊंगा लिमका, और हमने बनवा लिया मैगी क्योंकि अभी खाना खाने का मन है नहीं। वैसे टाइम तो ब्रेकफास्ट वाला ही है, अभी भी हमारा डबल ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो हम पियेंगे छीले बदाने के चिमटा आकाशी पीन के लिमका। आपको पापा जी थैंक यू, जी थैंक यू, कृपा होगी। ठंडी ठंडी लिमका मजा आ जाएगा यहाँ पीकर। तो हमारी मैगी आ गई है, पहाड़ों वाली ना सही, इस बार हाईवे वाली मैगी खा लेते हैं। वैसे हर साल हमें वेट होता है पहाड़ों वाली मैगी, यहाँ भी पहाड़ हैं, सूखे पहाड़ हैं, ऐसी बात नहीं है, महंगी बातचीत यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हाईवे वाली मैगी के मज़े ले रहे हैं। पहाड़ों में जाते हैं तो हम फुल वेजिटेबल वाली मैगी खाते हैं, यहाँ आए हैं तो हमने प्लेन मैगी ली है। मैगी चाय कोल्ड ड्रिंक तो सब हो गई, अब हम निकलेंगे सालासर बालाजी के लिए। नींद ना बहुत आने लग गई थी गाड़ी में, अब थोड़ी देर के लिए सही है, ऐसे लिमका पिया ना उसे थोड़ी देर के लिए तो नींद खुलेगी, बाकी आगे चल के देखते हैं। वैसे जैसे ही झटके लगने स्टार्ट होते हैं ना नींद अपने आप खुल जाती है, फिर आ जाती है, फिर झटके लगते हैं नींद खुल जाती है। तो यहाँ के जितने टोल है ना हमें समझ नहीं आ रही, यहाँ पे फास्टैग ही नहीं है कहीं पर, जबकि फास्टैग कहते हैं ऑल ओवर इंडिया हो चुका है। यहाँ पे हर जगह कैश मांगते हैं, ना पेटीएम ना कुछ, मतलब कैश में टोल देने का मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहा। अब फेक टोल वाली वीडियो पे मेरे 2.5 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं, लगता है कि कुछ ना कुछ दोबारा करना पड़ेगा। पेटीएम से देंगे पैसे? अरे फास्टैग लगा हुआ है, फास्टैग तो भैया ये तो बात गलत है यार। भाई गलत है, हमने तो ये लगा रखा है, देखो फास्टैग नहीं पकड़ भैया, यहाँ पर भी जो है वो फास्टैग नहीं लगा हुआ, हमें तो ये समझने ही बातचीत है क्या, यहाँ पर भी कैश नहीं मिल रहा है।